विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद बोर्स सेट ऑफ पोस्टुलेट रिकॉर्डिंग द हाइड्रोजन एटम मॉडल विद रिगार्डिंग टू एमिशन अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट. ऑप्शन ए इनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट. नहीं जनाब. ऑप्शन बी एन इलेक्ट्रॉन एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन ओनली व्हेन टेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू एन अदर. देखिए ये सारी स्टेटमेंट तो सही हैं, हमें ढूंढनी है रॉन्ग स्टेटमेंट. टू जंप फ्रॉम लोअर टू हाइयर एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन मस्ट एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ राइट फ्रीक्वेंसी सच दैट फोटोन एनर्जी इक्वल द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट. ये भी सही है भाई. टू जंप फ्रॉम हाइयर एनर्जी टू लोअर एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी सच दैट फोटोन एनर्जी इज एग्जैक्टली द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स. वेल देखो ये वाली जो है ना एमसीक्यू स्टेटमेंट डी गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी. फिर कह रहे हैं कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए सरफेस स्क्वायर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लैटिनियम अंडर अ प्रेशर ऑफ 10132 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. तो यहाँ जो ब्लैंक थी ना वो शुरू में ही थी और उसमें ये आंसर होगा 1/60,000 बल्कि 6 लैक्स. 6 के साथ 5 ज़ीरो है यार. कैंडेला बेसिक यूनिट है, ये उसी की डेफिनेशन है. ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कैंडेला की बेसिक डेफिनेशन बच्चों.